हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फातिमा सिद्दीक। आपने पार्ट वन देख लिया जिसमें मैं अहमदाबाद से दिल्ली आई थी, और पार्ट टू आपने देखा जिसमें हमने नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। अब ये है हमारा पार्ट थ्री जिसमें हम करने जाए कुकिंग। हम बनाने वाले हैं पास्ता और उत्तपम, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पास्ता और पास्ता। और ये है हमारी गायत्री शेफ जो पता नहीं क्या गंदे तरीके से शिमला मिर्च को काट रही है। ये पता नहीं क्या करेगी शिमला मिर्च के साथ। और नेहा द चॉपर जो हमेशा चॉपिंग करती है। नेहा क्या? शिमला मिर्च और प्याज। वो प्याज, एक शिमला मिर्च, दो टमाटर, दही रखी है और उसका काम शुरू। इधर गायत्री ने क्या किया है? तूने ये पानी रखा है? पानी क्यों रखा है? पास्ता बनने के लिए ना। यार कुकर कितना काला कर रखा है, धोया करो ना ढंग से। अमित को देख देखती। इसके बाद ये तवा इसने रखा है। तवा क्यों रख दिया? ओके ओके, उत्तम के लिए। तो नेहा का फेवरेट काम है, क्योंकि नेहा को कुकिंग नहीं आती, तो नेहा का फेवरेट काम है शॉपिंग करना। और ये ओवर एक्टिंग की दुकान हमारे साथ आ गई। इसको पहले की तरह इसे पहले की तरह नहीं नहीं पहले की तरह इसको इग्नोर करे। और मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं उनको गाइड कर रही हूँ कैसे करना है। घर का घी या माँ के हाथ का स्वाद? घर का घी। मेरा तवा जल चुका है, मेरा कुकर जल चुका है, सब चीज जल चुका है, मेरा सवाल दिया है, और अब गर्मी में मैगे चल रहा है। वो कोई बात, तेज आता ऐसा होना भी चाहिए। डिजर्विंग कैंडिडेट। आई एम अ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस। कोई कमी नहीं है। आई एम पानी गर्म करते हैं, पहले 15-20 मिनट उस कुकर को में पानी रख के उसको गर्म किया, उबाला और अब उसको गिरा दिया दोबारा। इसकी वजह से पानी की कमी है देश में क्या दुनिया में पानी की कमी है? ऐसे सेम वाटर करेगी, पानी उबाल के गिरा रही है। पानी तो तेरा दुश्मन है, बार बार करती है। सारी रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है, उधर गैस वेस्ट कर रही है, फिर उधर पानी वेस्ट कर रही है। नहीं यार ऐसे नहीं होता यार। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, जहाँ भी आई एम जस्ट सेविंग योर लाइफ। ओके गायत्री का जो पानी था जैसे दोबारा बोल किया था पहला पानी वेस्ट करके, इसने उसमें पास्ता डाल दिया। और उसमें पास्ता के साथ क्या डाला है? इसमें पानी के साथ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक, और ये इसने रख दिया। और ये कब तक इसे ऐसे उबलने देना है? मैं यहाँ पे तुझे शक दिख रही हूँ, मतलब क्या? प्लीज डोंट फॉलो मी इफ यू वांट टू हैव अ डिलीशियस पास्ता। शट अप। ठीक है, मैं बता दूंगी जब ये हो जाएगा, तब मैं बता दूंगी कितना टाइम लिया है। और तब तक ये मोहतरमा उत्पम के लिए दही निकाल रही है, और हमारी नेहा और दर्जन भर के प्याज और दर्जन भर के शिमला मिर्च तो काट दी, अब टमाटर की बारी है। देखिए वो वीडियो, टमाटर टोमेटो छमाछर, तीन नाम है इसके। हम जैसे ये चॉप फॉर्म हम बोलते हैं टमाटर, तो बोलो तू क्या बोलती है? टमाटो टमाटो, और इंग्लिश और हिंदी में आके बोलते हैं छमाछर। तो हमने छमाछर को छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हमने ये बना दिए है, इसको हमने लगा सकते हैं। अब नजर लगा सकते, समझ रहे हो?
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नेहा ने कहा थी आधी, मैंने कहा थी शिमला मिर्च, आधी नेहा ने कहा थी, आधी मैंने कहा थी, इच्छा माचा पूरे में कहा थी, आधी आधी काट के सारा क्रेडिट ले लिया इसने। हाँ देखो, इसने पानी ना सोख लिया है ना, इसने पानी सोख लिया, पानी कम हो गया। ये इसने दही में पानी, दही पानी मिलाया है, दही में पानी मिलाया है, इसने सूजी में दही मिलाई है और मसाले मिला दिए, बताना चाहिए था ना। प्रोफेशनल कुक तो हम दर्शकों को, तो इसने मिर्च मसाला अपने साथ डाल दिया, अभी डाल रही है प्याज, बिगिनर्स की रेसिपी, आनियन, आनियन, आनियन डाल रही है, कैप्सिकम डाल रही है, कैप्सिकम, वी हैव टोमेटो एज वेल, टोमेटो, योर चीज, इतना क्यों बचा है? यस, इट्स फॉर पास्ता, यस, टोमेटो, यू कैन पुट, दिस इज नॉट फॉर पास्ता, हम पास्ता दूध वाला बना रहे हैं, तो दूध में शिमला मिर्च तो डालेगी ना? नो, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये अलग से, ये भी सेम इसमें डाल दो ना, मैं देख लूँ ना, पहले मैं देख लूँ ना पेस्ट के अकॉर्डिंग। Okay, okay. Who is the cook? Oh. Who is the cook? Oh. You are not a cook, you are a beginner. Beginner cook. अरे कहना क्या चाहते हो? Actually, our chef is sleeping. That's why you are a cook. Otherwise, you would have been standing over here. Like us. Supervisor work. माछो भी डाल दिया, अभी अच्छे से मिक्स कर रही है सबको। इसने अभी भी इतना छोड़ दिया, दही वेस्ट करेगी, आई थिंक वेस्ट करेगी। नो, विल नॉट वेस्ट। पानी की तरह ही वो मोटा बन गया था। ये ठीक था ना, अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे हम, ताकि ये मुझे ना एक्चुअली ज्यादा लोगों के लिए बनाना है, तो इसको मैं ना अपना अपने आप बचाने के लिए मैं ये कर रही हूं, पानी डाल रही हूं। मसाले हैं वो तो पता है, डाले क्या थे वो पता नहीं थे, वो सीक्रेट है, हट जाओ, सीक्रेट तो अब इसने गैस ऑन कर दिया है, तवा रख दिया है, अब ये बनाने वाली है उत्तपम। नेहा कैसे साइड दे दी, और नेहा कुछ और काम कर रही है, देखते नेहा क्या कर रही है। नेहा ओके, नेहा जो है ना पास्ता को निकाल रही है कुकर से, क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो गया है ना, है ना नेहा? हाँ, हाँ, लगता तो है शायद। और ये भर भर के घी लेते हुए म्यूजिक चलता रहना चाहिए दर्शकों। ये देखो इसने डाला है इसमें घी, शेफ तैयार है अपने हथियारों के साथ। यस, लेट मी शो माय हथियार्स। या साइड नो, गेट साइड, गाइस गेट साइड नाउ। यार कितना घी लगा रही है यार, इट्स ये ना, ये मेरा पहला है ना, तो फिर मुझे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और मुझे दर्शक भी, ताकि ये कच्चा ना रहे और पका रहे, ताकि ये चिपके ना, ताकि और चिपके भी ना, कच्चा पका हम बाद में देखेंगे। एड से हमारा खाना जला हुआ होता है, बट कच्चा कभी नहीं होता। दिस इज कच्चा। लेट मी लव यू, चीकड़े हुए। This is not my fault, सूजी खराब है। देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। ये नहीं बोले कि मुझे बनाना नहीं आता, सूजी खराब है, नहीं तो तवा खराब है, नहीं तो हमारी किस्मत खराब है, हमारी हालत भी खराब है, बट ये कभी गलत नहीं कर सकती, शी इज परफेक्ट। थैंक यू। ये हमारा उत्तपम, वेस्टेज ऑफ सूजी, शिमला मिर्च, तवा, हमारी इतनी मदद शॉपिंग की, मैं नहीं उसकी सुपरवाइजर भाई। ओ शेफ ने कुछ डाला है इसमें, नमक, नमक स्वाद अनुसार, देखो अच्छा लग रहा है देखने में, लुकिंग गुड। ये इसने फाइनली उत्पम बनाया, दिखने में अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं टूट गया, सब के दिखने में से फर्क नहीं पड़ता, खाने में अच्छा होना चाहिए, खाने में अच्छा, बताओ अभी हम खा के बताते हैं। दिखने में अच्छा लग रहा है बट
खाने में अच्छा नहीं है, वो खाने में अच्छा है बट वो दिखने में अच्छा नहीं है, तो इसने जो भी बनाया ठीक बनाया। मोरल ऑफ द स्टोरी, शट अप प्लीज, मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तेरे को देख के तो हम अच्छा जज भी नहीं कर रहे थे, राइट। और ये नेहा अभी थोड़ा मॉडिफाई कर रही है, इसमें नमक मिर्च डाल के ताकि थोड़ा टेस्टी लगे, कुछ सोया सॉस वगैरह भी नहीं डाल सकते, ये मैगी सैलेड क्रीम वाला है, मैगी सैलेड क्रीम वाला है यार, ये मैगी सैलेड तो हम मैगी मसाला डाल रहे हो दूध वाले पास्ता में, ठीक है, क्रीम वाला पास्ता है जो करना है, डाल दो डाल दो, मॉडिफाई कर रहे हो तो करो। इसमें नमक मिर्च अच्छे से नहीं पड़ा, टेस्टी नहीं बना, और ये बहुत टेस्टी बना है, मैंने खाया है, कोई बात नहीं, टू ट्राइड ओके, बट अच्छा बना है। हमारी जो ये मुंह बोली शेफ है ये सही काम कर रही है, तो फाइनली इससे थोड़ा मॉडिफाई किया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा टेस्ट करके बताओ कैसा है, नमक डाला इसमें, नमक इसमें नमक डाला है हमने मॉडिफाई करने के लिए, मैगी मसाला डाला है, थोड़ी सी मिर्चा, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाली इन्होंने, लेट्स सी कि कैसा बनता है, नेहा चक्के हमें बताएगी, टेस्ट करना पे पूरा खा गया, तो एक और बन गया उत्पम, अब जल्दी उत्पम बना, फिर जल्दी खाते हैं, हाँ एक साथ बना ले, हाँ अंदर मत दे फिर, हाँ अंदर ही खा लेंगे, और फिर ये पास्ता हमारा बहुत टेस्टी बना है, पास्ता पास्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास नहीं खड़ी है, ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और हमारा पास्ता वगैरह बहुत अच्छा बना है, कैसा बना है, not up to that level but अच्छा बना है, good बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी इसने पास्ता उत्पम बनाया, मजा आ रहा है खाने में, मतलब मैं केचप के बिना कुछ नहीं खाती, लेकिन इसमें मुझे केचप की जरूरत भी नहीं लग रही, इतना टेस्टी बना है, ओवर रिएक्शन इग्नोर हर प्लीज। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जाके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।